अस्सलाम वालेकुम गाइस, ताज किचन 786 में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं वड़े कोलम। उसके लिए हमें चने की दाल चाहिए जो कि हमने भिगा के पीस की डालना है वड़े बनाने। तो उसके लिए हमें वड़े बनाने के लिए तो मैंने आपको रेसिपी डाल रखी है, फिर भी आप देख लीजिए। हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है तब तक हम इसे पीस लेंगे नमक डाल के। हमने दाल को दरदरा पीस लिया, इसमें नमक डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे प्याज, हरी मिर्च। प्याज और हरी मिर्ची डालने के बाद में हम इसमें डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर हल्का सा। गाइस रेड चिल्ली पाउडर डाल रहे हैं। अब इसमें करी पत्ते डाल रहे हैं बहुत सारे काट के धो के। और अब हम इसमें डालेंगे हल्का सा अदरक लहसुन कूट के। आप चाहे तो सौंफ भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला इसमें। सौंफ मैं डालती हूँ बट ये कोलम बना रहे तो उसमें वो ज़रूरी नहीं, हम ऐसे भी बना सकते हैं इसको। सौंफ भी डाल लीजिए, हरा धनिया डाल लीजिए और अच्छे वड़े बनेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसका वड़े बना लेंगे जल्दी से। एक पैन रखा है तो उसमें हम पहले डालेंगे ऑयल हल्का सा। फिर हम ये प्याज टमाटर हरी मिर्च काट के रखे हैं वो डाल देंगे। इसमें हम हल्का सा अदरक और लहसुन में डाल देंगे। हमने टुकड़ा डाल दिया है अदरक में। अब इसे हम हल्का सा फ्राई करके पीस लेंगे। ठीक है, हमने कच्चा नारियल लिया है उसे इसे काट के रखा है। हम इसका पेस्ट बनाएंगे। तो हमने जो ये फ्राई किया इसका भी पेस्ट बनाना कहा था मैंने आपको। दोनों को मिक्स करके भी आप पेस्ट बना सकते हैं, आपका काम आसान हो जाएगा। तो हम दोनों का मिक्स करके पेस्ट। ये देखिए गाइस हमारा पेस्ट एकदम तैयार है। हमने नारियल उसको साथ में पीस लिया है। तो उसी फैन में हमने एक 2 कप ऑयल डाला है। ऑयल गर्म होते हम इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाले। तेज पत्ते डालें 2। अब हम इसमें डालेंगे लौंग। बहुत ही ईजी एंड क्विक ईजी रेसिपी है गाइस, आप जरूर बना के देखिए, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हम क्या करेंगे, ये जो पेस्ट पीस के रखा उसमें डाल देंगे। अब इस पेस्ट में हम डालेंगे हल्का सा स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और हल्का सा 1 टीस्पून मिर्ची का पाउडर। गाइस हमने इसके वड़े बनाने शुरू कर दिए। अब कुछ नहीं करना, हाथ में ये लेके हल्का सा प्रेस करना है और इसके वड़े बनाने। इस गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम सबको निकाल लेंगे। गाइस सब हमने डाल दिया है, अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे हम पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए। जब हम इस 10 मिनट पकाएंगे तो इसमें कलर आएगा। और अभी देखिए हम इसमें वड़े डाल रहे हैं। जो हमने वड़े बनाए थे इसमें डाल दीजिए, बहुत ही टेस्टी बनेगी गाइस, जरूर बना के देखिएगा। गाइस हम बॉल में डाल लिया है, हमारा वड़ा कोलम एकदम शानदार तैयार है। अब हरा धनिया और करी पत्ते से इसे हम गार्निश करेंगे और विद राइस के साथ हम इसे सर्व करें मजे लिए खाने के लिए। तो अगले वीडियो रेसिपी में मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए बाय।